नमस्कार, आपके साथ मैं सोनाली और आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ी खबरें। कोरोना महामारी की तीसरी लहर से बचने एवं चीन में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से शिक्षा लेते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बैठक में प्रत्येक जिले के स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद थे एवं कोरोना महामारी से बचने के लिए क्या क्या प्रिवेंटिव स्टेप जरूरी है, इस पर चर्चा की गई। इतना ही नहीं, इस विषय को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एवं राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय आपस में संपर्क कर रही है। सूत्रों का माने तो 18 दिसंबर तक राज्य में एक भी कोविड संक्रमित मरीज नहीं थे, किंतु पिछले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमित 9 मरीज पाए गए हैं। फिर पश्चिम बंगाल में बम के धमाके का शिकार हुए 2 मासूम बच्चे। अब की बार ये घटना बीरभूम जिले के मारग्राम में घटी है। घायल दोनों बच्चों को रामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि तृणमूल कांग्रेस कर्मी के घर के निकट 2 बच्चे बम को बॉल समझकर खेल रहे थे, तभी यह घटना घटी है। अचानक बम ब्लास्ट हो गया और इस घटना में एक बच्चा का हाथ उड़ गया, जबकि अन्य बच्चा बुरी तरह से जख्मी हुआ है। पुलिस ने मकान मालिक को गिरफ्तार किया है। इसके पूर्व भी पश्चिम बंगाल में 2 घटनाएं घट चुकी है जहां बॉम्ब को बॉल समझकर खेल रहे बच्चे हादसे का शिकार हुए थे। पश्चिम बंगाल में विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी के विधानसभा केंद्र नंदीग्राम में तृणमूल एवं बीजेपी के बीच जमकर झड़प हुई। इस घटना में 8 लोग जख्मी हुए हैं। दरअसल मामला यह है कि नंदीग्राम के भेटूरिया में कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव था। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस एवं बीजेपी समर्थित उम्मीदवार प्रतिद्वंदिता कर रहे थे। वोट को केंद्र कर तृणमूल कांग्रेस एवं बीजेपी समर्थकों में जमकर झड़प हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इलाके में विशाल पुलिस बल तैनात किया गया। पश्चिम बंगाल राज्य में चलेंगे भारतीय रेलवे का 7वां वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। यह ट्रेन हावड़ा रेलवे स्टेशन से न्यू जलपाईगुड़ी तक चलेगी। इस ट्रेन की विशेषता इस बात से लगाई जा सकती है कि महज 7 घंटे 50 मिनट में 626 किलोमीटर की दूरी यह ट्रेन तय करेगी। इसके अलावा इस ट्रेन की सुंदरता एवं अत्याधुनिक सुविधाएं यात्रियों को काफी आकर्षित कर रही है। पश्चिम बंगाल में मीडिया के सुर्खियों में इन दिनों 2 चेहरे सबसे ज्यादा चर्चित हो रहे हैं। पहला विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी एवं दूसरा तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद अभिषेक बैनर्जी। अभिषेक बैनर्जी की आम सभा करने के 6 दिनों बाद ही विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी वहां सभा की। दरअसल मथुआ समाज के लोगों के बीच अपनी स्थिति और संदेश स्पष्ट करने के लिए रानाघाट स्थित फ्रेंड्स क्लब के मैदान में अभिषेक बैनर्जी ने सभा की थी। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक टाइम्स, योर वॉइस आवर मिशन। नमस्कार। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।